For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. साल 2017 के बाद देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा मानो बॉलीवुड से गायब ही हो गई थी और जहां उन्होंने इस दौरान हॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स किए वहीं बी टाउन में उनकी कोई भी फिल्म चल नहीं रही थी। मगर फिर आया एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कि प्रियंका चोपड़ा सलमान खान के साथ फिल्म भारत में स्टार करेंगी और इसी फिल्म के साथ वो अपने हाइएटस को खत्म करेंगी। मगर शूटिंग के कुछ दिन पहले ही पीसी ने इस फिल्म से किनारा कर दिया और फाइनली उन्होंने फरहान अख्तर के साथ द स्काई इज पिंक साइन किया। पहले तो सभी को पीसी का ये डिसीजन काफी अनकन्वेंशनल लगा, पर अब जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो हम सब भी प्रियंका और उनकी क्रेजी रील फैमिली के दीवाने हो चुके हैं। जी हाँ, द स्काई इज पिंक आयशा चौधरी की जिंदगी पर आधारित है, जो कि 13 साल की उम्र में एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई थी। आयशा को इम्यून डेफिशिएंसी थी और फिर भी उसने और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर इस फिल्म में टीनेजर्स के माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं और फिर भी हमें इस रोल में कुछ भी अजीब नहीं लगता। इनफैक्ट पीसी ने तो अपने कैरेक्टर को कमाल के तरीके से निभाया है। सच में जिस कलाकारी से फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, जायरा वसीम और रोहित सराफ ने अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाया है, ये देखते हुए हमें भी लगने लगा है कि द स्काई इज इंडीड पिंक। तो आपको द स्काई इज पिंक का ये इमोशनली रिडन और एक्साइटिंग ट्रेलर कैसा लगा हमें जरूर बताएं।